राजस्थान उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है और दौसा सीट से भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिलने की बात पर जमकर घेरा है। नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या किसी ने सोचा था कि किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री बनेंगे। कृषि मंत्री बनते ही भाई के टिकट के लिए किसानों के हित को दरकिनार करके सरकार के खिलाफ हड़ताल करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, गांव छोड़ देंगे और बंगला छोड़ देंगे। ऐसे किसी ने सोचा था? उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन सही कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभानी चाहिए। एक मंत्री 3 महीने से बैठा है, भवानी रूठ गई है। भवानी रूठ गई और भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। क्या तमाशा लगा रखा है? कृषि मंत्री बनते ही कहते हैं कि किसान लोन लेगा फिर चुकाएगा नहीं, ये किसान की आदत बन गई है। अरे आदत तो आपकी बन गई है, खुद कृषि मंत्री, भतीजा MLA और भाई के टिकट के लिए सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए, सरकार के खिलाफ बात करने लग गए, सरकार को आपने क्रिटिसाइज करने का काम किया, टिकट मिलते ही भरत मिलाप करने लगे। पहले आपको सुनाते हैं कि डोटासरा ने क्या कुछ कहा। आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार से फैसले होते हैं? क्या किसी ने भी सोचा था कि किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनेंगे और किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनने के बाद में एक किसान का बेटा होकर के 3 महीने तक अपने भाई की टिकट के लिए किसानों की हितों को दरकिनार करते हुए वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, हड़ताल करेगा, धरना करेगा, गांव जाके बैठ जाएगा, गाड़ी छोड़ देगा, बंगला छोड़ देगा, किसी ने सोचा था? मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं 2 समय भी कह के आया हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ में निभानी चाहिए। और एक मंत्री 3 महीने तक बैठा है, भवानी रूठ गई, भवानी रूठ गई और भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। क्या तमाशा लगा रखा है? कृषि मंत्री बनते ही ये कहते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है इनको, कृषि मंत्री बनते ही कहते हैं कि किसान की आदत पड़ गई है कि वो लोन लेगा और फिर नहीं चुकाएगा। अरे भाई आदत तो आपकी बन गई है, खुद मंत्री, भतीजा MLA और भाई के लिए अनशन लेकर के सरकार के खिलाफ आप बात करने लग गए, सरकार को आपने क्रिटिसाइज करने का काम कर लिया और टिकट मिलते ही भरत मिलाप करने लग गए, मंच के ऊपर भरत मिलाप देखा नहीं नॉमिनेशन वाले दिन? आपको बता दें कि दौसा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा उर्फ DC बैरवा को टिकट दिया है। अब यहाँ SC और ST के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूँ अभिजीत शर्मा।